हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस ब्लॉग में हम लोग करने क्या वाले हैं, मूली चोरी करने वाले हैं दूसरों को खेतों से, और मूली चोरी करके खाने वाले हैं। वैसे मूली खाना तो सबको पसंद होता है, और मूली चोरी का हो तो और भी अच्छा लगता है खाने में। अरे तो भिखंदा के खेत है, भिखंदा का नहीं दुखंदा खेत। अरे यार किसी का भी खेत छोड़ना, चोर के घर में चोरी। मूली मिलेगा यार इधर उधर? चलो ना भाई साहब आगे, मूली मिल ही जाएगा, उधर बहुत है, मिल जाएगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं खेतों में, जहाँ बहुत सारा कुछ लगा हुआ है, आलू लगा हुआ है, लेकिन बीच बीच में जो आलू लगाते हैं ना वो मूली भी लगा ही देते हैं। तो हम लोग बस वही मूली को चोरी करेंगे। चोरी क्या करेंगे, इन द सेंस ऐसा ही हम लोग मजे मजे के लिए बस। अरे रे यार ऐसे दूसरा के बारी में से मत किया कर यार। मिल रहा है कहीं पर? एक मूली यहाँ पर मिला है, एक मूली इधर से मिला हुआ है, वहाँ भी है, रुक हाँ वहाँ से एक मूली। छोड़ दो बहुत छोटा है, मत तोड़ उसको। अरे यार इसके कहीं इसका ओनर आ गया ना, हम लोग को बहुत मारेगा। उधर वो वाला बीच वाला। अरे वो मोटा वाला मत तोड़ना, मोटा वाला मजा नहीं आएगा खाने में। हाँ वही वाला। और भी तो है यहाँ पे, और भी है, लेकिन तीन, एक और तोड़, एक मेरे लिए तोड़। चल हो गया, चार से ज़्यादा नहीं यार। चार मूली, इस सरसों भी लगा हुआ है, आलू भी लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग मूली तोड़ लिए हैं। हम लोग अगले कुएँ की ओर जा रहे हैं, कुआं मिल जाए बढ़िया वाला, तो मतलब जिसमें फ्रेश पानी हो, तो उसमें हम लोग ये मूली धोएंगे। और ये मूली कितना बढ़िया लग रहा है, तो दिख ही रहा है, इस मज़े से खाएंगे आज हम लोग। हम लोग पहुंच चुके हैं कुएं के पास। ये कुआं बहुत ही बड़ा कुआं है, बहुत लंबे सफ़र तय करके हमें कुआं तक पहुंचा। कितना फीट का कुआं है यार ये? हाँ तो इसको हम लोग 20 फुटवा कुआं बोलते हैं, मतलब इसकी डायमीटर शायद 20 फीट है इस कुआं, मतलब ये कुआं काफ़ी फेमस है। चलो वो जो हमारा जो केन है, इस केन से भी हम लोग पानी निकालने वाले हैं, अभी देखते हैं, अभी पानी को फिर धोएंगे, फिर मज़े के साथ खाने वाले भी हैं, तो शुरू करते हैं हम लोग, क्या बोलता है? हमारा केन देखो शायद वहाँ तक पहुँच जाएगा। हाँ अरे रस्सी टूट गया तो हमारा केन जाएगा, केन। हाँ आराम से भैया। तो अब फाइनली पानी ऊपर आ चुका है, पानी से हम लोग धोएंगे अपने अपने मूली को। तो ये पानी से हम लोग मूली को धोना है, ये मूली धुलाई वाला काम चल रहा है। बढ़िया से धो ना, पूरा इसको डाल देने के बाद। ये जो है वो मूली धोने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है, इस मूली को धोएंगे और पानी शायद हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्या थोड़ा प्रेस करने के लिए तो चाहिए ही ना पानी। अब करना क्या है, इन पत्तों को तोड़ लेना है, ऐसा तोड़ साइड में रख दो और इसको आराम से दो, बकरी को खिलाएंगे यार। बकरी नहीं तो इसका साग भी बनता है, साग भी इसका बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन इतना में साग नहीं बन पाएगा, है ना? तो ये बकरी का हो जाएगा। एक और बच गया है, इसको ऐसे तोड़ देने का और ऐसे मजे के साथ इसको खाने का। ले तू भी ले, तू भी खाएगा क्या? वैसे मूली तो कई जगह यूज़ में आता है, मूली को आप सैलड के रूप में खा सकते हैं, मूली को कच्चा भी खा सकते हैं, और मूली सब्जी बनती है, इसकी बहुत मज़ा आता है। लेकिन ठंड के समय में ज़्यादा मूली खाते नहीं है, सर्दी हो जाती है। तो चलिए गेम खेलते हैं, मूली का क्या क्या फ़ायदा है ये हम लोग को बताना है। तो रवि तुमसे शुरू करते हैं, मूली खाने का फ़ायदा बोला। मुझे तो पता नहीं भाई साहब, क्योंकि सिर्फ मैं मूली खाने के लिए आया हूँ। यमन भाई साहब से पूछ लो कि क्या फ़ायदा, ये थोड़े अच्छा हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस। चलो तुमसे बताते हैं मूली खाने का एक फ़ायदा गिना दो बस। तो फ़ायदा ये है कि इससे इसको खाने से ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। अच्छा चलो अब तुम बताओ एक फ़ायदा बताओ। भूल गए वो भूल गया तो बात नहीं, एक फ़ायदा हम गिनाते हैं। ये इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि फ्री रेडिकल से, हमारे जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं उससे बचाता है ना। तो अब हम गिनाते हैं, इससे एक खाने से एक नुकसान भी है। एक खिलाते हैं हम इसको खाने से, कुछ मौका रहा ना, घाटा है खाना यार, मतलब इसे खाने से एक घाटा है, समझ गए होंगे आप लोग क्या घाटा है। तो बस मूली खाइए और इधर उधर मत छोड़िए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 कर दे यार बाय।